तो कल के मैच में फिर से कुछ क्लिप्स निकल के आई हैं जिसमें लोग सस्पिशन रेज कर रहे हैं, आइए नजर डालते हैं। पहले भी नहीं बचाया जा सकेगा, बट ऐसा लगता नहीं क्योंकि सीलिंग के नाम पर कुछ है, क्योंकि सब कुछ और इसके बाद इस क्लिप में लोगों का कहना था कि भाई क्या, बट रेकनिंग अब यहाँ पर जरूर से फाइट बैक करने की कोशिश करेंगे। जोन 251 मीटर दूर जरूर से रहने वाला है और मात्र 17 सेकंड का जो टाइमर है वो यहाँ। अब दोनों ही केसेस मेरे नज़र में तो बिल्कुल ही लेजिट है और हम लोगों को भी यार अब इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। जो भी टीम सब आगे आ रही हैं उन लोगों पे हैकिंग के चार्जेस लगाने से बेटर है, क्योंकि अब जो बार स्टेजेस हो रही हैं उसमें सब कुछ कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा है, BGMI वालों की हर चीज़ पर नज़र है, तो हम इस चीज़ में तो सबसे पहले नहीं कर सकते। और कोई भी सस्पिशियस चीज़ अगर हमारे सामने आती है तो उसमें एक चीज़ सबसे बड़ी ये है कि भाई जो हमें देखने को मिलता है वो होता है स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और उसमें इतने सारे ग्लिचेज हैं जिसकी वजह से कई सारे प्लेयर्स के ऊपर गलत चार्जेस भी लगे। जैसे कि फर्स्ट केस में यहाँ पर बंदे की HP बहुत ज़्यादा लो थी, और दूसरी चीज़ वो हल्का सा राइट साइड की तरफ आता है और फिर अंदर की तरफ जाता है, और हमें पता है यार BGMI में बहुत ज़्यादा डिसिंक लगता है, और जो बंदा था मारने वाला उसने भी बहुत पहले शूट करना स्टार्ट कर दिया था जिसकी वजह से रॉक्स को हेड लगा और उनको पक्का डिसिंक लगा जिसकी वजह से वो मरे। और दूसरे क्लिप में भी वो काफ़ी देर से फाइट चल रही थी और उसमें आराम से बंदे को मूव करते हुए उन्होंने देख लिया था, और वो बहुत ही ऑब्वियस ही चीज़ है कि बंदा वहाँ आकर नेट करने का ट्राई करेगा ही, क्योंकि जो ऑपोजिशन था उनकी तरफ एंगल उस बंदे को उसी साइड से आ सकता था। और ये बहुत ही बेसिक सा गेम सेंस वाला पॉइंट है कि आप लोग वहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बंदा वहीं पर आएगा, और अगर इतना बेसिक सा गेम सेंस और प्रेडिक्शन नहीं कर पाते बंदे तो यार इतने बड़े लेवल पर ऑलरेडी नहीं पहुँच पाते हो। अब मैंने कल की वीडियो में ऑलरेडी ये चीज़ प्रेडिक्ट करी थी कि एक्सपार्क और सोल दोनों की दोनों टीम्स कमबैक करेंगी, और ऐसा हुआ भी, और आगे की भी मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि आज इन दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। अब हम इस वीडियो में नज़र डालने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी फाइट्स के ऊपर जिसमें बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, और उसके अलावा भी जो छोटी छोटी टीम्स हैं जिनका हमेशा लाइमलाइट से दूर रहता है नाम, क्योंकि हमारा ज़्यादातर फोकस रहता है बड़ी टीम्स के ऊपर, तो उनकी भी फाइट्स के ऊपर कुछ नज़र डालने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक्सपार्क के चिकन डिनर की, जो उन्होंने मैच 9 में निकाला था, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जोन बनाया और अगले जोन के लिए होल्ड करा वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर इनकी पहले पोजीशन पर नज़र डालो तो आपको दिखेगा इन लोगों ने जो वेयर हाउसेज वाला एरिया ये होल्ड कर रखा था, और एक ही गाड़ी थी इन चारों प्लेयर्स के पास में, और ये बिल्कुल जोन के एज पे था, ऐसा नहीं कि जहां पर ये बैठे वहीं पर जाकर जोन बना। वहाँ से स्काउट करते हैं पहले कि हिल खाली और हिल के ऊपर से ही जोन बना लेते हैं, यहाँ पर पहले रुकते हैं, ये नहीं कि एकदम से स्लम डाले, एक जगह पर रुककर देखते हैं कौन सी जगह पर इनको डालना चाहिए, और उसके अलावा भी जहाँ पर ये जोन बनाते हैं जहाँ पर ये होल्ड करते हैं वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी टीम्स मौजूद थी। और यहाँ पर अगर आप नज़र डालो तो जैसे ये होल्ड कराया मावी ने कंपाउंड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि चारों के चारों बंदे एक ही जगह पर होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो इतना बड़ा एरिया है उसके लेफ्ट साइड भी जोन जा सकता था, राइट साइड भी जोन जा सकता था, मावी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी, जिसकी वजह से ये अलग अलग जगह पर अपने बंदे बिठा के रखते हैं, क्योंकि इन घरों में होल्ड कर पाना आसान था, ऑलरेडी फाइट हर जगह पर चल रही थी तो पुश आने का भी बहुत ही कम चांस था, अगर पुश आता भी तो दूसरे घरों में जो भी बंदे मौजूद थे वो हर तरफ से इनको डैमेज देते ही देते। और उसके बाद ये क्लिप पे नजर डाली और बताइए आपने क्या नोटिस किया कुछ, एक कंपाउंड में जितने भी जो स्लिट से हर जगह से वहां पर ग्रेनेड जाएंगे सेंस से आप। तो ये एक्सो वर्सेस एनिग्मा की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये नोटिस करो कि यहां पर जो मावी की पोजीशन थी ये एकदम अनएक्सपेक्टेड लोकेशन पे ऑलरेडी बैठ रखे थे, क्योंकि इनको पता था कि सामने वाली टीम है वो जो एरिया है उसको क्रॉस करके जरूर आएंगी और वहां पे कोई ना कोई बंदे को वो डैमेज दे सकते थे, इसलिए इनकी ये जो पोजीशन थी ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और उसके बाद इनकी प्रेडिक्शन, क्योंकि स्काउट के पास में जोन बनता है और बंदे सारे के सारे इनके आपस में आके बैठ जाते हैं, जिसके बाद आराम से मूव करके चिकन डिनर निकालते हैं। लेकिन क्या आपने यहाँ पर जो गेम प्ले चल रहा है बैकग्राउंड में वहाँ पर गिल की मिस्टेक नोटिस करी, उसके लिए यहाँ नजर डालिए पहले। वेल, दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे को देखा, गिल और रेक्स ने, गिल और एगी ने, गिल तो यहाँ पर रेक्स ने ऑलरेडी उनकी पोजीशन स्पॉट कर ली थी गिल की, वो दो बार राइट राइट हुए थे हल्का सा और रेक्स ऑलरेडी उसी साइड पे फायर कर रहे थे, अगर यहाँ पर गिल राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड से पिक करके मारने का ट्राई करते तो वो शायद डाउन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी स्पॉट हो जाने के बाद में, ऑलरेडी प्रेडिक्ट हो जाने के बाद में यहाँ पर मेरे हिसाब से गिल को फायर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जोन ऑलरेडी क्लोज इन हो चुका था, धीरे धीरे हो ही रहा था, एनिग्मा के बंदों पर जोन था भी नहीं, उन लोगों को नीचे आना ही पड़ता कूद के, और TX के बंदों के पास में इतनी बढ़िया पोजीशन थी कि वो लोग मार ही देते, गिल स्पेशली पीछे से सपोर्ट दे सकते थे जो कि उनका रोल रहता है टीम में। अब उसके बाद गॉडेल की एक स्ट्रैटेजी मुझे बहुत बढ़िया लगी, अगर आप बैकग्राउंड में देखो तो यहाँ पर जोनाथन की पोजीशन कितनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज थी, उनको दो साइड से पड़ रही थी, यहाँ पर पूरी तरीके से हिल से उन पर शॉट्स आ रहे थे, एक उनके पास में कार का केवल कवर था, और इनके जो दोनों बंदे थे बाकी यहाँ पर देखो क्लच गॉड भी डाउन हो जाते हैं, केवल और केवल यहाँ पर नियो बचते हैं, तो कितने बढ़िया तरीके से ये लोग डिफेंड करते हैं कि एक बंदा इनका बचा हुआ है, एक ही पोजीशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज है, तीसरा इनका बंदा डाउन हो चुका है,
तो यहाँ पर देखो नियो कितनी जल्दी तो दो दो स्मोक्स करते हैं, और जब ये रिवाइव करते हैं तो भी अपना पूरा एरिया ये देखते रहते हैं कि आसपास कोई टीम का बंदा तो नहीं है। पूरी तरीके से चारों तरफ स्काउट करते करते ये रेव देते हैं, और उसके बाद में देखो तुरंत दोनों के दोनों प्लेयर्स यहाँ पे गाड़ी की तरफ भागते हैं। जोनाथन दो स्मोक करके ये कवर की तरफ आकर बस बैठते ही हैं, इतने में नियो यहाँ पे गाड़ी लेके आ भी जाते हैं और रोकते भी डायरेक्ट उस पर नहीं, यहाँ पर जो स्मोक रखा होता है यहाँ पर रोक के कितनी जल्दी बंदे को वो अपने उठाकर ले जाते हैं। यहाँ पे ये जो रेस्क्यू था ये मुझे सच में बहुत बढ़िया लगा था, क्योंकि यहाँ से बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जोनाथन के ऊपर जोन भी आ रहा था, दो दो टीम अपनी अलग अलग जगह से उनके ऊपर फायर कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी इतने प्यारे तरीके से रेस्क्यू किया। और इस चीज़ की बात भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इतने एफर्टलेसली ये चीज़ें करी कि हम लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। नॉर्मली कोई नॉर्मल सी टीम भी होती तो बहुत जल्दी वो वहाँ पे बिखर सकती थी, अगर हल्का सा भी डिले होता, मान लीजिए नियो थोड़ा सा स्मोक करने में देरी कर देते, रिवाइव करने में देरी कर देते, या फिर गाड़ी आने में थोड़ा सा भी देर होती तो जोनाथन वहाँ पे डाउन हो सकते थे। और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा एक्सो वर्सेज एनिग्मा की। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो केवल इनके दो बंदे बचे हैं, तो रेक्स के नॉक होते इन दोनों को पता है कि यहाँ पे पुश आने वाला है। तो अब देखो एगी की पोजीशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सैगी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी पोजीशन थी, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर ही बंदे एकदम से चढ़ेंगे। तो एगी क्या करता है, पहले ही मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जैसे ही बंदे आए उन सब का फोकस इनके ऊपर चला जाए, और ऐसा ही होता है। और पीछे से जो सैगी है वो इतना बढ़िया डैमेज देते हैं कि उन बंदों को नॉक कर देते हैं, इनके दो बंदे सीधा डाउन हो जाते हैं। और इसी चीज़ के बारे में एक्सो सेंसे ने बाद में बात भी करी थी कि उनकी पोजिशन उनको देखनी चाहिए थी, बट क्योंकि इतनी जल्दी ये लोग रश करते हैं, और अगर हल्का सा भी भाई एगी यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट ना करते, मूवमेंट ना देते, शूट ना करते सीढ़ियों पर आके, तो एनिग्मा वो फाइट हारती ही हारती, क्योंकि चार बंदे थे एक्सो के। और वो चीज़ नहीं होती तो एनिग्मा के दो बंदे बचते भी नहीं, उनकी पोजीशन भी नहीं आती, तो ये एनिग्मा की तरफ से बहुत ही बढ़िया रिस्पांस था। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर 247 के राहुल की, जिनका क्लच जो था 1v4 का इतना बेहतरीन क्लच था वो अनएड्रेस चला गया, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी टीम अगर कोई सा भी छोटे से छोटा क्लच भी कर देती है तो हाईलाइट चैनल बनाकर फीचर उनको कर देते हैं, जिसपे दो दो तीन तीन चार चार लाख व्यूज आ जाते हैं, लेकिन इन सब छोटे छोटे टीम्स की बात कोई भी नहीं करता। और ये छोटी टीम्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको लाइमलाइट कम मिलता है, छोटी टीम्स इन टर्म्स ऑफ लाइमलाइट, क्योंकि परफॉर्मेंस है उसमें तो अभी राइजिंग स्टार्स की कैटेगरी में आ चुके हैं ऑलरेडी। बहुत डैमेज पड़ने वाला मिस स्प्रे, आगे जाने की कोशिश पनिश किए गए, दो प्लेयर यहां पे डाउन हो चुके, स्क्रिल्स एंड अब्रार मोस्ट प्रोबब्ली दो प्लेयर सरवाइव करेंगे। एंड क्लोज रेंज में यूएमपी का कोई जवाब नहीं, अब्रार पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे, नाकामयाब। स्क्रिल्स आखिरी प्लेयर अपनी टीम से सरवाइव करते हुए एक बार फिर से रेकनिंग ईस्पोर्ट्स का बहुत। अब यहाँ पर मेरी समझ से ये चीज़ बिल्कुल बाहर है कि इनका जो बंदा था मेंटल यम करके, वो इन्होंने बाहर क्यों भेज रखा था, वो इनके साथ यहाँ पर फाइट क्यों नहीं ले रहा था। एक जो पॉसिबल चीज़ है जो शायद एक बार को अज्यूम करी जा सकती है वो ये है कि भाई इनको लगा होगा कि फाइट लंबी चल सकती है, इसलिए उन्होंने पहले से उसको बंदे को भेज दिया, जिससे कि ये लोग जोन की वजह से ना मरे। लेकिन इसके बाद राहुल ये जो क्लच करते हैं भाई, डिसीजन जरूर से लेते हैं। 247 का एक प्लेयर को स्पॉट के डाउन किया, 1v2 247 राहुल वहां पर एक 1v2 क्लच करके जाएंगे, अब उनकी हेल्थ देख के सरवाइव नहीं कर। राहुल ने अकेले भाई पूरे चार बंदों को यहां पे मारा, पूरी टीम को संभाला। अगेन यही बात कहूंगा, यम इनके साथ में होते तो पहले ही स्क्वाड वाइप हो सकती थी, नहीं तो यही चीज थी कि इनकेस यहां पर अगर राहुल फाइट हार जाते तो फिर से दोनों बंदे आराम से मूव इन कर सकते थे और फिर यम को भी मार सकते थे। और फिर मैं बात करना चाहूंगा सोल वाइपर ने जो यहां पर नीड किया था, ये क्योंकि फाइट गॉडल की चल रही थी तो फोकस गॉडल के ऊपर चल रहा था, लेकिन हाईलाइट में जाके हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो वाइपर नेड करते हैं सबसे पहले तो उनकी पोजीशन देखिए, वेयर हाउस के अंदर खड़े होकर नेड करते हैं, ये भी नहीं कि रिच के आसपास आकर, और उसके बाद इतने दूर डिस्टेंस पे वो भी खिड़की से नेड करते हैं, जिससे कि एक बंदा डाउन और प्रिंस हाफ एचपी हो जाते हैं और उसके बाद वो भी नॉक हो जाते हैं। और यही सबसे ज़्यादा क्रूशल था, क्योंकि इनमें से कोई भी बंदा आकर एक भी नॉक निकाल देता तो पीछे से सारंग आ ही रहे थे, वो भी नॉक निकाल सकते थे, या फिर पूरी तरीके से पलड़ा उन लोगों का भारी हो जाता। लेकिन ये नॉक हो जाने की वजह से सोल को ओपनिंग मिल जाती है, जिससे कि सारंग को बिल्कुल ओपन से रश करना पड़ता है, फ्री के तीन किल्स उन लोगों को मिल जाते हैं। और ये वाले मिरामार में तो बिल्कुल अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ में सोल खेल रही थी, क्योंकि यहाँ पर देखो बिल्कुल पूरे मैप में चारों के चारों बंदे इतने ओपन से इतने डोमिनेशन के साथ एग्रेसिवली रश करते हैं। और युवा की इधर मैंने बात करी ही थी, पहले से ही बोला था बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो कर सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसकी वजह से इतना बढ़िया ये रश करते हैं बिल्कुल ओपन से, ऑलमोस्ट दूसरे बंदे को भी ले ही जाते हैं, पीछे से वाइपर का स्प्रे आता है और वो किल उनके हाथ में चला जाता है। और उसके बाद में एसजी की भी बहुत ज़्यादा तारीफ बनती है, जिस तरीके से स्काईलाइट गेमिंग ने पिछला परफॉर्मेंस दिखाया है बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ रहा है, क्योंकि इसमें से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली जो ऑफ एंगल्स की इंपॉर्टेंस है ये हमें सीखने को मिलती है, क्योंकि
यहाँ पर अच्छी खासी फाइट चल रही थी एक्सो और गॉडेल के बीच में। सोमराज चुपके से आते हैं पीछे, स्मोक करते हैं, उसके बाद बंदे को मारना स्टार्ट करते हैं और इतना बेहतरीन स्प्रे 13 गोली में बंदे को डाउन करते हैं। और फियर्स के लिए उनको ऐसा लगता है कि वो नॉक हो चुके हैं और इसीलिए वो स्प्रे रोक देते हैं, लेकिन वो 10 HP एकदम बच जाते हैं। लेकिन एक बंदे के ऑफ एंगल क्रिएट कर देने से पूरी टीम का डोमिनेटिंग हैंड आ जाता है, जिससे कि स्काईलाइट के सारे बंदे अलग अलग एंगल क्रिएट करके फिर रश करते हैं और फिर चिकन डिनर अपने नाम कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि यार हमेशा लक आपको फेवर करेगा, जोन आपको लेना ही पड़ता है, कई बार आपके अलग अलग बंदे आपको अलग अलग जगह पर बिठाने पड़ते हैं, ऑफ एंगल्स क्रिएट कर करके डोमिनेशन आपको करना पड़ता है। ये होती है यार बड़ी टीम्स की निशानी, क्योंकि बड़े बड़े जो भी गेम्स होते हैं उसमें कुछ भी आपके हाथ में होता ही नहीं है, आप ये अज्यूम करके आपको चलना ही पड़ता है कि भाई हर एक चीज हमारे अगेंस्ट होगी। और बड़ी टीम्स इतना ज़्यादा ज़्यादा कंपटीशन इसीलिए जीत पाती हैं क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है ऐसी सिचुएशन से निकलने का। बहुत आराम से बिना पैनिक करे अगर एक बंदा भी बचा होता है तो भी वो पूरी टीम को बचा लेता है या फिर पूरा चिकन डिनर भी निकाल जाता है। और इसके अलावा अपनी प्रेडिक्शंस में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है टीम्स कैसा परफॉर्म करेंगे। और चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स और क्लचेस भी पोस्ट करता रहता हूँ। बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।